हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेस ओपर एकेडमी। आज भी हम बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश पे दो वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उनका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने अपने पिछले दो वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, कौन से लेटर से कौन सा साउंड निकलता है, उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। ए का यूज़, एन का यूज़, द का यूज़ देखा था, दी का यूज़ देखा था। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले दो वीडियोज़ में कवर किए थे। आज के हमारे टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसे ध्यान से देखना और समझना। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के टॉपिक्स। तो आज हम देखेंगे कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 14 वर्सेस 40, 1 मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, लैक वर्सेस लैक, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, नाइन्थ को हम कैसे स्पेल करेंगे, मतलब इसकी स्पेलिंग क्या होगी, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, 12th को हम कैसे लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग क्या होगी और उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा नॉमिनल नंबर्स। तो इन शॉर्ट आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा पूरा वीडियो नंबर्स पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कार्डिनल नंबर्स। ए कार्डिनल नंबर सेज हाउ मेनी ऑफ समथिंग सच एज 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। इसका मतलब है जब हम किसी भी चीज़ की संख्या गिनते हैं तो उस संख्या को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। कार्डिनल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स एज दे शो क्वान्टिटी। कार्डिनल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है क्योंकि वह हमें उस चीज़ की मात्रा बताते हैं। हाउ टू रिमेंबर कार्डिनल नंबर्स, हम कार्डिनल नंबर्स को कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। कार्डिनल इज काउंटिंग, जहाँ पे हम गिनती करते हैं और जो संख्या हमारे सामने आती है उन संख्याओं को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। अब आप ये इमेज देखिए, इस इमेज के अंदर कुछ पपीज़ हैं। जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो हमारे सामने जो संख्या आती है वो होती है 6, मतलब कि इस इमेज के अंदर 6 पपीज़ हैं। ये जो 6 नंबर है वो है कार्डिनल नंबर्स, बिकॉज हमने यहाँ पे काउंटिंग किया है और काउंटिंग से हमें पता चला कि यहाँ पे 6 पपीज़ हैं। एक और एग्जांपल के साथ हम कार्डिनल नंबर्स को अच्छे से समझते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्डिनल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे, उनकी स्पेलिंग क्या होगी और उनके प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1, O-N-E, 1, 2, T-W-O, 3, T-H-R-W, 4, F-O-U-R, 5, F-I-V-E, 6, S-I-X, 7, S-E-V-E-N, 8, E-I-G-H-T, 9, N-I-N-E, 10, T-E-N, 11, E-L-E-V-E-N, 12, T-W-E-L-V-E, 13, T-H-I-R-T-E-E-N, 14, F-O-U-R-T-E-E-N, 15, F-I-F-T-E-E-N, 16,
SIX TEE 17, SEVEN TEE 18, EIGHT PEE 19, NINE TEE 20, TWENTY. अब 20 के आगे जब हम लिखेंगे तब हमें सिर्फ इनका मर्ज करना है, तो आगे लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सिमिलरली 30 के आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा. अब देखते हैं 40, FORTY, 50, FIFTY, 60, SIXTY, 70, SEVENTY, 80, EIGHTY, 90, NINETY, 100, HUNDRED, 1000, THOUSAND. यहाँ पे ड का साउंड है, थाउजेंड, थाउजेंड नहीं बोलते, थाउजेंड, ड. 10,000, TENTHOUSAND. तो ये थे कार्डिनल नंबर्स. इनकी स्पेलिंग हम कैसे लिखते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो हमने इसमें देखा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14 वर्सेस 40. थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखना, 13, 30, 14, 40, 15, 50. कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं इसकी स्पेलिंग्स को लेकर. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 14 वर्सेस 40. यहाँ पे हम उसकी स्पेलिंग को भी क्लियर करेंगे और उसके प्रोनाउंसिएशन को भी क्लियर करेंगे. 14, तो 14 की जो स्पेलिंग होती है वो होती है FORTEEN, और उसको हम बोलते हैं फो, फो का साउंड होता है 14. और जब हम 40 की बात करते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती है FORTY, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो 40. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1 मिलियन कितना होता है एंड 1 बिलियन कितना होता है. आप देख रहे हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं. अब पहचानते हैं हम इन फिगर्स को. फर्स्ट फिगर है 10, सेकंड है 100, थर्ड है 1000, फोर्थ है 10,000, देन 1 लाख, देन 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़. 1 करोड़ को हम हिंदी में 1 करोड़ कहते हैं. हिंदी में जब हम करोड़ बोलते हैं तो ड लगता है, करोड़. और इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो करोड़ र आता है, र का साउंड आता है लास्ट में. आगे देखते हैं 10 करोड़, और लास्ट है 100 करोड़. अब जब हम 10 लाख की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं 1 मिलियन, और जब हम 100 करोड़ की बात करेंगे तो वो होता है 1 बिलियन. तो 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, और 1 बिलियन होता है 100 करोड़. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
लैक वर्सेस लैक। हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हम LAC लैक यूज़ करें या LAKH वाला लैक यूज़ करें। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों सेम है और दोनों का ही उपयोग किया जा सकता है। लैक और लैक दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स। एन ऑर्डिनल नंबर टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ लिस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। मतलब कि ऑर्डिनल नंबर्स हमें किसी सूची के अंदर दी गई चीज़ों का क्रम बताती है। हाउ टू रिमेंबर ऑर्डिनल नंबर्स? ऑर्डिनल नंबर सेज व्हाट ऑर्डर थिंग्स आर इन। ऑर्डिनल नंबर से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कौन से क्रम में है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम समझने जाए तो ऑर्डिनल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ऑर्डिनल ऑर्डर। जैसे हमने कार्डिनल नंबर में पढ़ा था कार्डिनल इज काउंटिंग, वैसे ही ऑर्डिनल सेज व्हाट ऑर्डर थिंग्स आर इन ऑर्डिनल ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जांपल देखते हैं। एक इमेज है जहाँ पे टिकट विंडो पर 6 लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए पहले 3 लोगों को टैग किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये 6 जनों के अंदर जो पहले 3 हैं उनको हमने एक क्रम के हिसाब से सेट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आएगा फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ऐसे ही हम क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी चीज़ की पोजीशन को हमें रिप्रेजेंट करना हो और वहाँ पे जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का रैंक लाना, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑर्डिनल नंबर्स के, जहाँ पे एक क्रम हमें दिखता है, जहाँ पे एक पोजीशन नज़र आती है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और ये एग्जांपल को देखकर आपका ऑर्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। Blue car first, yellow car second, green car third, and red car fourth. Congratulations! अब हम देखेंगे ऑर्डिनल नंबर्स की स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट। सेकंड SECONDE, थर्ड THIRD, फोर्थ FORTH। फोर्थ की स्पेलिंग FORTH होती है, ध्यान से देखिएगा, कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है FORTH लिखे या FORTH लिखे। फिफ्थ FIFTH, सिक्स SIXTH, सेवेंथ SEVENTH, एट EIGTH, नाइन्थ के बारे में हम बाद में देखेंगे, टेंथ TENTH, इलेवेंथ
ELEVENTH, ट्वेल्थ, उसके बारे में बाद में देखेंगे। थर्टींथ, THIRTEENTH, फोर्टींथ, FORTEENTH, फिफ्टींथ, FIFTEENTH, सिक्सटींथ, SIXTEENTH, सेवेंटींथ, SEVENTEENTH, एटींथ, EIGHTEENTH, नाइनटींथ, NINETEENTH, नाइनटींथ, ट्वेंटीएथ, TWENTIETH, ट्वेंटीएथ। अब आगे हम कैसे लिखेंगे? ट्वेंटी फर्स्ट, तो ट्वेंटी एंड देन वापिस हमारा जो फर्स्ट टेबल है वो हम रिपीट करते जाएंगे। ट्वेंटी फर्स्ट, ट्वेंटी सेकेंड, ट्वेंटी थर्ड, ट्वेंटी फोर्थ, ट्वेंटी फिफ्थ, ट्वेंटी सिक्स्थ, ट्वेंटी सेवेंथ, ट्वेंटी एट्थ, ट्वेंटी नाइन्थ एंड थर्टी एट्थ। सिमिलरली इसी वे में आगे चलता जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं नाइन्थ को हम कैसे स्पेल करेंगे। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है NINTH होगा, NINETH होगा, तो क्या है उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग? NINTH, हम NINETH यूज़ नहीं करेंगे, NINTH यूज़ करेंगे नाइन्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्वेल्थ का क्या यूज़ करेंगे? TWELFTH, ट्वेल्थ। छोटा सा फ का साउंड आता है ट्वेल्थ बोलने में, हम यहाँ पे TWELVETH यूज़ नहीं करेंगे जो ट्वेल्थ की स्पेलिंग होती है, बट हम TWELFTH यूज़ करेंगे जहाँ पे हल्का सा फ का साउंड आएगा ट्वेल्थ। होप सो आप सबको ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं फोर्टी एथ, FORTIETH, फिफ्टीएथ, FIFTIETH, सिक्सटीएथ, SIXTIETH, सेवेंटीएथ, SEVENTIETH, एटीएथ, EIGHTIETH, नाइनटीएथ, NINETIETH, हंड्रेड, HUNDREDTH, थाउजेंड, THOUSANDTH, टेन थाउजेंड एंड लास्ट है हंड्रेड थाउजेंड। तो ये थे ऑर्डिनल नंबर्स, उसे स्पेलिंग एंड उसके प्रोनाउंसिएशंस। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ। यहाँ पे हम अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कैसे हम नाइन्थ को स्पेल करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, और कैसे हम ट्वेल्थ का स्पेल करेंगे और प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नाइन्थ, आपके सामने दो स्पेलिंग है, मैंने आपको वैसे तो बता दिया है लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, NINETH और सेकेंड है NINTH। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? फर्स्ट वन रॉन्ग, NINETH हम स्पेल नहीं करते, हम करते हैं NINTH। ट्वेल्थ देखते हैं, हमारे माइंड में तीन स्पेलिंग आएगी, TWELVETH, ट्वेल्थ, TWELTH या TWELFTH। तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है TWELFTH, हम ट्वेल्थ बोलेंगे। मैंने आपको बताया हल्का सा फ का साउंड आता है ट्वेल्थ बोलने में, और इसकी स्पेलिंग है TWELFTH। तो ये था हमारे ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं
नॉमिनल नंबर्स। अ नॉमिनल नंबर इज अ नंबर यूज ओनली एज अ नेम और टू आइडेंटिफाई समथिंग, नॉट एज एन एक्चुअल वैल्यू और पोजिशन। इसका मतलब है नॉमिनल नंबर्स वो होते हैं जो नाम मात्र के लिए यूज में लिए जाते हैं। हाउ टू रिमेंबर नॉमिनल नंबर्स, नॉमिनल इज ए नेम, मतलब है किसी को नाम मात्र के लिए या उसकी पहचान के लिए दिए जाने वाले नंबर्स को हम नॉमिनल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आप यहाँ पे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को देख रहे हैं जिसमें रोहित शर्मा है जिनका जर्सी नंबर है 45, मतलब कि 45 नंबर से हम रोहित शर्मा को पहचानते हैं। और दूसरा एग्जांपल है, एक कार है स्पोर्ट्स कार जिसके आगे 70 नंबर लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली वो कार का नंबर नहीं है, वो उसको एक टैग दिया गया है, उसकी पहचान है, 70 नंबर की कार से उसको पहचाना जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अब यहाँ पे एक हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल नंबर का, कि हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने तीनों में बताया हाउ टू रिमेंबर, तो कार्डिनल को हम कैसे पहचान सकते हैं या कैसे याद रख सकते हैं। कार्डिनल इज काउंटिंग, ऑर्डिनल इज ऑर्डर और नॉमिनल इज ए नेम। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम इस वे में याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।